हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस, वापस हाजिर हूं मैं आपके लिए एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा सीडर, अगर आपका 1GB रैम डिवाइस है और उसमें भी माइनक्राफ्ट लैग करके चलती है तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप उस सीडर को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी माइनक्राफ्ट रियलिस्टिक होएगी, लेकिन आपकी माइनक्राफ्ट भी थोड़ा बहुत लैग करना बंद कर देगी और उसे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से खेल सकते हैं उस सीडर से अपनी माइनक्राफ्ट गेम एक नए अंदाज में। तो गाइज, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन शेयर डाउनलोड करने के लिए देने वाला हूँ। और आप अभी देख लीजिए यहाँ आसपास का माहौल, एरिया देखिए पहले, क्योंकि अब ये उस शेडर के एक्टिवेट करते ही बहुत कुछ बदलने वाला है, सब कुछ एरिया वेरिया सब कुछ बदल जाएगा। तो गाइज, क्या मैं उस एक्टिवेट करूँ शेडर को, आपको दिखाऊँ कि माइनक्राफ्ट कैसी होने वाली है हमारी, तो चलिए शुरू करते हैं। गौर से देखिए इस माइनक्राफ्ट की नई दुनिया को, क्योंकि यहाँ का सब कुछ बदल चुका है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमारा ये शेडर है और ये 1GB रैम वाले डिवाइस में बिना लैग के काम करेगा। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि ये शेडर मैं आपको डाउनलोड करने के लिए देने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं इसे डाउनलोड कैसे करना है और फिर इंजॉय तो आप कर ही लेंगे अपनी माइनक्राफ्ट में। तो डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद की प्रोसेस मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा ये माइनक्राफ्ट की अनोखी दुनिया। गाइज, आप जब डिस्क्रिप्शन दे दी गई लिंक से HSP शेडर को डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको उस फोल्डर में चले जाना, जिस फोल्डर में आपने डाउनलोड किया है HSP शेडर, जो माइनक्राफ्ट के लिए लो एंड के लिए बेस्ट शेडर है। तो आपको जल्दी से उस फोल्डर में चले जाना, जिस फोल्डर में आपने HSP शेडर को डाउनलोड किया है। तो गाइज, मैं भी जल्दी से चले जाता हूँ। तो गाइज, ये रहा हमारा HSP शेडर लो एंड के लिए। फिर आपको सिंपली से एक्स्ट्रा क्रिएट कर देना है और इसे एक्सट्रेक्ट करने के बाद आपको सिंपली से कट करना है, क्योंकि मैंने इस पर पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगाया है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ। तो गाइज, कट करके आपको जाना है गेम्स के फोल्डर में, ये रहा हमारा गेम्स का फोल्डर आपको दिख गया होगा, फिर com.merging के फोल्डर में, उसके बाद रिसोर्सेज पैक्स के फोल्डर में, और यहाँ जाकर आपको सिंपली से एक्सट्रैक्ट क्रिएट कर देना है और फिर आ जाना है अपनी माइनक्राफ्ट में। और उसके बाद आपको सिंपली ये जो आपका प्ले का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जो प्ले वाला बटन है इस पर ही क्लिक करना है और किसी मत चले जाना गाइस। और उसके बाद आपको एक क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेना है, चाहे आप अपने पहले से ही बने हुए इस वर्ल्ड में भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग ही वर्ल्ड बना के दिखाऊंगा और उसमें इसे चला के भी दिखाऊंगा। तो गाइस, जल्दी से मैं बना लेता हूं एक नया वर्ल्ड, तो मैंने क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लिया है। और उसके बाद मैं अपने सर्वाइवल को क्रिएट में कर लेता हूं और फिर नीचे जाकर रिसोर्सेज पैक जो है इसे आपको माइंड पैक में जाकर, उसके बाद आपको HSP शेडर मिल जाएगा फॉर लो एंड डिवाइसेस, इसे आपको एक्टिवेट कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर देना है। और गाइस, अगर आप यहां तक आ चुके हैं वीडियो में और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट मोड से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे शेडर्स लाता रहता हूँ और मोड्स भी बहुत अच्छे अच्छे लाता रहता हूँ। जल्दी से फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आते हैं अपनी माइनक्राफ्ट के शेडर्स पर। तो गाइस, कुछ पल और हमारा जो वर्ल्ड है गाइस फाइनली जो है क्रिएट हो चुका है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा गाइस आसपास का एरिया। तो देखिए गाइस, कितना रियलिस्टिक हमारी माइनक्राफ्ट हो चुकी है, फोर लो एंड डिवाइसेस तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है इस शेडर। अगर आपका 1GB 2GB या 3GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको बिल्कुल भी लैग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मजे ले सकते हैं माइनक्राफ्ट की सुहानी दुनिया के विद शेडर, वो भी बेहतरीन वाला शेडर, और आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील कराएगा अपनी माइनक्राफ्ट में और आपको एहसास भी होने नहीं देगा कि आपके पास 1GB रैम वाला डिवाइस है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली माइनक्राफ्ट की क्रेजी वीडियो में। तो बाय गाइस, बाय बाय।